हेलो दोस्तों, HR LLB स्कूल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं IPC सेक्शन 376 के बारे में। आपने शायद आपको पता होगा कि IPC 376 क्या है। IPC 376 ऐसा एक कानून होता है जिस कानून में अधिकतम जिसको कारावास होती है या अधिकतम अपराध से अधिकतम दंडनीय होते हैं उन व्यक्तियों को IPC 376 की धारा लगते हैं। IPC 376 क्या है? बलात्कार के लिए दंड व कठोर कारावास जिसकी अवधि 10 साल से कम नहीं होगी किंतु आजीवन कारावास तक हो सकती है उन व्यक्तियों को शेष प्राकृतिक जीवन काल के कारावास अभिप्रेत होगा उन व्यक्तियों को IPC 376 से दंडनीय किया जाता है। उस कानून के तहत कई जुर्माना भी लिया जाता है वो IPC 376 से। IPC 376 अधिकतम जुर्म या बलात्कार ऐसे घृणनीय अपराध करने वाले व्यक्तियों को IPC 376 की धारा लगती है और अधिकतम कारावास या आजीवन कारावास जिसको होगी उसी के ऊपर IPC 376 धारा की धारा लगी जाती है। धारा 376 बलात्कार के लिए दंड, इसमें कई फीचर्स हैं जो हम उनके बारे में बात करेंगे। उपवांछित मामले में सिवाय बलात्कार करेगा, यह दोनों में से किसी भी को कठोर कारावास से जिसकी अवधि 10 साल से कम नहीं होगी किंतु आजीवन कारावास तक हो सकती है दंडित किया जा सकता है और जुर्माने भी दंडनीय होगा। पुलिस उसमें जो कोई भी हो सकता है, पुलिस अधिकारी भी हो सकते हैं उस पुलिस थाने के जिसमें ऐसा पुलिस अधिकारी नियुक्त है सीमाओं के भीतर बलात्कृत करेगा या किसी भी थाने की परिसर में बलात्कृत होगा। ऐसे पुलिस अधिकारी जो अभिरक्षा में या ऐसे पुलिस अधिकारी अधिस्थित की अभिरक्षा किसी स्त्री से बलात्कृत करेगा या लोक सेवक हुए ऐसे कुछ लोक सेवक की अभिरक्षा में या ऐसे लोक सेवक अभी अधीनस्थ किसी लोक सेवक की अभिरक्षा में किसी स्त्री से बलात्कृत करेगा या केंद्रीय या किसी राज्य सरकार द्वारा किसी क्षेत्र से अभिनियोजित सशस्त्र बलों का कोई सदस्य होते हुए उस क्षेत्र में बलात्कार करे या तत्कर्मचारी वृंद में होते हैं ऐसे किसी भी विधि द्वारा जेल या उसके अधिस्थापित स्थान या संस्थान किसी शोषण गृह या करेगा किसी अन्य स्थान में स्त्रियों या बालकों प्रबंधकों की प्रबंध तंत्र या कर्मचारी खंड में प्रवर्जित होते हुए उस अस्पताल में किसी स्त्री का बलात्कार करे या स्त्री या नातेदार संरक्षक या अध्यापक अथवा किसी प्रति न्याय का प्रतिभारी या हैसियत में या कोई व्यक्ति होते हुए उन स्त्रियों को बलात्कार करे या सांप्रदायिक की किसी पंथीय हिंसा के दौरान बलात्कार कर रहा है किसी स्त्री यह जानते हुए कि वो गर्भवती या गर्भवती है उसको बलात्कार करे या इस स्त्री से जो संपत्ति देने में असमर्थ है उसका बलात्कार किया गया किसी स्त्री पर नियंत्रण या प्रभाव रखने के स्थिति होते हुए उन स्त्रियों का बलात्कार किया गया मानसिक या शारीरिक निसंगता या ग्रसित किसी भी स्त्री को बलात्कार किया गया बलात्कार से के समय किसी स्त्री गंभीर शारीरिक अपधानी कारित रहेगा या विकलांग बनाएगा या विपरीत करेगा उसके जीवन में संकटापन्न करेगा या उसी स्त्री को बार बार बलात्कार करेगा या इन विशेष स्थितियों में जो इस नारकीय सीमाओं का पार करेगा या इन स्थितियों में जिन महिलाओं को वो शारीरिक हिसाब से अपदस्थ करेगा तो उन व्यक्तियों को कठोर कारावास से जिनकी अवधि 10 साल से कम नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास तक
तक ही हो सकती है जिसके उक्त व्यक्ति को शेष शिष्ट प्राकृत जीवन काल तक कारावास अभिप्रेत हो संशोधन के क्रम में किया जाएगा और जुर्माने को कुछ भी दंड किया गया है और बाकी 376 धारा में हमको जानने के लिए बहुत सारे परिस्थितियों में मिलेंगे कि उन नारी के व्यक्तियों को आईपीसी सेक्शन 376 के तहत बहुत सारे प्रोविजंस ऐसे हैं जिसमें अपराधियों को की तहत रिहा करने की भी कुछ है या इसमें कुछ प्रोविजन है उन के बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। अभी तक कारावास अथवा फांसी की सजा भी हमने सेक्शंस में बात किए हैं उन सेक्शंस को सेक्शनों में और भी कई सारे की प्रोविजंस हैं जो आप भी करेंगे। अभी के लिए इस वीडियो में जो जानकारियां हैं उन जानकारियों को हम स्पष्ट हिसाब से नेक्स्ट वीडियो में भी बताएंगे। अभी के लिए इतना ही बस, और वीडियो देखते रहिए और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमें आईपीसी सेक्शन के तहत आईपीसी सीपीसी और सीआरपीसी के विशेष जो भाग हैं उनके बारे में काफ़ी सारे जानकारी इस चैनल में मिलते रहेंगे अगले वीडियो में। तो बस इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों के सामने। जय हिंद।